गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग हमारे गेमिंग पीसी में देख सकते हैं कि माइनक्राफ्ट गेम चालू है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों अपने पीसी में माइनक्राफ्ट गेम की टेस्टिंग करने वाले हैं कि हम लोगों ने ये जो पीसी बिल्ड किया है राइजन 3200G प्रोसेसर वाला, इसमें गेम कैसा रन करती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई मैंने ग्राफिक कार्ड अलग से नहीं लगाया है। इसमें जो मैंने प्रोसेसर यूज किया है उसमें दोस्तों वेगा 8 के ग्राफिक मिल जाते हैं 2GB के। तो इस प्रोसेसर में दोस्तों वेगा 8 के ग्राफिक्स हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं क्योंकि काफी सारे लोग दोस्तों ये वाला प्रोसेसर लेना चाहते हैं। तो उन्हें दोस्तों आइडिया हो जाए कि अगर ये गेम खेलना चाहते हैं तो ये गेम कैसा रन करेगी इस पीसी में, राइजन 3200G वाले पीसी में। और दोस्तों मैं आपको अपने पीसी को और भी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों मेरे पीसी में 8GB रैम लगी हुई है और 240GB की SSD लगी हुई है। और दोस्तों और भी बहुत सारे पार्ट्स हम लोगों ने अपने पीसी में यूज़ किए हैं, तो सारे पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक कर लेना कि हम लोगों ने जो गेमिंग पीसी बिल्ड किया है उसमें हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए हैं। तो अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने गेमिंग पीसी में माइनक्राफ्ट गेम की टेस्टिंग। तो अभी दोस्तों हम लोग न्यू वर्ल्ड बना लेते हैं, क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर देंगे और अपनी जो गेम है वो शुरू हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो कि गेम को शुरू होने में कितना टाइम लगेगा और कितना लग रहा है वो आप लोगों के सामने ही है और आप लोग देख ही सकते हो। तो दोस्तों गेम हमारी शुरू हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो। अभी दोस्तों मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, इसका रीज़न दोस्तों सिंपल सा है, क्योंकि अगर हम लोग कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि बैकग्राउंड में एक और एप्लीकेशन रन होगा, तो सही से हमें परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा इस गेम का। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि बिना किसी लेग, बिना किसी इशू के गेम चल रही है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी सही तरीके से गेम रन कर रही है। और कुछ हम ब्लॉक तोड़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसके गेम प्ले देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो हम लोग इसके गेम प्ले भी लाएंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो पे हो जाएंगे 1000 लाइक और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोगों को दोस्तों इस गेम के गेम प्ले भी देखने को मिलेंगे। बस यही आप लोगों को करना है, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक ज़रूर कर देना है, तो आपका भाई आप लोगों के लिए गेम प्ले लेकर आ जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि गेम कितनी सही से चल रही है अभी। और दोस्तों मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ ऑप्शंस में जाके, वीडियो सेटिंग में। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये फैंसी लिखा हुआ आ रहा है इधर ग्राफिक्स में, तो इसमें ये गेम रन कर रही है। तो अभी हम लोग दोस्तों इसको चेंज करते हैं। अभी तो आप लोगों ने देखा कि इसमें ऐसे रन कर रही थी, अभी हम लोग करते हैं फेबुलस और डन कर देते हैं, और डन कर देते हैं और जाते हैं बैक टू गेम। और फेबुलस में भी दोस्तों देख सकते हो आप लोग, तो फेबुलस में भी दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरीके से गेम हमारी रन कर रही है। और यहाँ पर फ्लावर्स रेड कलर के यार काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, थोड़े से हम लोग उठा लेते हैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। और वहाँ पर दोस्तों सनफ्लावर है वो रहे सामने। अभी हम लोग सेटिंग को और चेंज कर देते हैं और कर देते हैं और एक वीडियो ग्राफिक्स में जाके, ग्राफिक में जाके और फास्ट कर देंगे इसको, डन कर देते हैं और डन कर देंगे और बैक टू गेम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें चमकादड़ भी देखने को मिला अभी इस गेम में, ये रहा चमकादड़ दोस्तों। कहाँ गया भाई चमकादड़, हमारे चमकादड़ चिमकांडी कहीं का चिमकांडी, इसी को ही कहते हैं दोस्तों चिमकांडी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि फास्ट में भी गेम कुछ इस तरीके से रन कर रही है हमारी। और ब्लॉग दोस्तों हम लोग तोड़ते हैं। अगर आप लोगों को गेम प्ले चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और लाइक और शेयर कर देना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो आप लोगों को गेम प्ले देखने को मिल जाएंगे। और मैं सोच ही रहा हूँ कि गेम प्ले डालूँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। अगर 1000 लाइक आ जाएंगे या फिर 500 लाइक भी चलेंगे दोस्तों, 500 लाइक करा दो तो भी आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो को पूरा जरूर देखना इस वाले को, बिना स्किप करे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों गेम रन कर रही है हमारे इस राइजन 3200G गेमिंग पीसी में, जिसमें दोस्तों विथआउट ग्राफिक्स कार्ड है, ग्राफिक कार्ड अलग से कोई लगा नहीं है, वेगा 8 के ग्राफिक्स है ऑलरेडी प्रोसेसर में, जिसमें गेम रन कर रही है। और आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कितना सही है, और इतना दोस्तों इनफ है अगर हम लोग एवरेज गेमिंग करना चाहते हैं। ऑप्शन में जाते हैं और कुछ ऑप्शन है तो देख लेते हैं। GeoScale, ब्राइटनेस मोडी, क्लाउड फैंसी, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर है। इसे ऑफ कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, फास्ट कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, डन कर देते हैं।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को दिखाना था कि इस पीसी में राइजन 3 3200G वाले पीसी में गेम कैसा रन करती है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर जरूर कर देना। मैंने दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट दिया था लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा, लेकिन 500 लाइक का टारगेट है तो वो कंप्लीट करा देना। तो आप लोगों को दोस्तों गेम प्ले जरूर देखने को मिलेंगे इस गेम के। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।